अस्सलाम वालेकुम पीपल, दिस इज फैजान फ्रॉम द हाउस ऑफ अमीर आदमी यूसुफ। मैं पहली अपार्टमेंट्स की लॉबी में खड़ा हूँ, लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ पहली अपार्टमेंट्स में। लाइफ स्टाइल कैसा है? इट्स अ यूनिक प्लेस, इट्स अ ग्रेसफुल प्लेस। यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का माहौल, यहाँ पर पार्किंग में क्या इशू होते हैं, यहाँ का एसेंस है सुकून, वो दिखाता हूँ। कोई झंझट नहीं है, अच्छी जगह है, साफ़ सुथरा माहौल है। अपार्टमेंट्स के रेंट और रेट्स क्या हैं ये भी वीडियो में बीच बीच बता दूँगा, और एक सिंपल सा समरी समराइज ओवरव्यू भी बताऊँगा आपको। अभी बस लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, लिफ्ट का बटन तो दबाना भूल ही गया था। चलें, जब तक देखते हैं। ये इधर की लॉबी है, ये स्टेयरकेस है। स्टेयरकेस हम उन्हें कोई इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि बैरिया में लिफ्ट है, 24 घंटे चलती हैं, 4 लिफ्ट होती हैं एक टावर पे। एक दो दूसरी तरफ से आप जाएंगे, उस तरफ से आपको भी 2 लिफ्टें मिलेंगी। ये आपको थोड़ा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल जैसा माहौल मिलेगा, लेकिन ये अपार्टमेंट्स हैं। जैसे ये एक अपार्टमेंट का गेट है और ये स्टेयरकेस है। इधर से थोड़ा सा लॉबी से ही मैं आपको व्यू दे दूं अपार्टमेंट्स का। चले भैया, लिफ्ट तो आ गई है हमारी, अब हम चलते हैं नीचे। ये अच्छी बड़ी स्पेस है अपार्टमेंट्स की, लिफ्ट में भी स्पेस ज़्यादा होती है तकरीबन। इधर मेंशन होगा, ये देखें 15% 1000 kg। अब एक बंदा अगर 100 kg वाला है तब मुश्किल हो जाएगा। कैमरेज भी लगे लिफ्ट में चेक एंड बैलेंस के लिए। लिफ्ट की डेली मेंटेनेंस होती है, इसमें डेट भी लिखी हुई है कब का मेंटेन होती है। और स्मूथ लिफ्ट है, कोई खचड़ बचड़ आवाज़ ही नहीं है। जहाँ पुराने अपार्टमेंट्स कराची में जाएंगे तो आपको डर लगेगा लिफ्ट कभी भी गिर जाएगी। अच्छा, सो अच्छी साफ सुथरी मेंटेन्ड होती है। डीजल से आई थिंक साफ़ करते हैं जिसकी वजह से इसकी शाइन भी मिलती है। पंखा एग्जॉस्ट है ताकि सफोकेशन नहीं हो लोगों को। इधर इमरजेंसी से बाहर निकलने हैं। दिस इज द ग्राउंड फ्लोर एंट्रेंस। ये पहली रिसेप्शन, ये वो जगह है जहाँ पे सारा चेक एंड बैलेंस होता है, लोग नहीं जाने देते। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे बैठा होता है, अभी नहीं बैठा हुआ, बैठा होता है देखने के लिए कि कौन ऊपर रेजिडेंट है, उन्हीं को जाने देते। और ये है सर जी ब्यूटीफुल माहौल। कड़कती धूप है लेकिन क्योंकि धूल मिट्टी नहीं है, अजियतें नहीं है, तो आपको ये बुरा माहौल नहीं लग रहा। आसमान की तरफ देखेंगे तो कराची वाले अमूमन आदि नहीं होते बगैर तारों का आसमान देखने के लिए और बगैर गड्ढों की सड़क देखने के लिए, लेकिन इट्स ऑल वेल एंड गुड। पार्किंग के लिए देख रहे हैं आप, लाइंस बनी हुई, हर किसी ने तमीज़ से पार्किंग की जगह पे गाड़ी खड़ी की हुई। ये कार्गो लिफ्ट का एरिया और यहाँ पे देख रहे हैं आप नो पार्किंग बना हुआ है, तो किसी ने गाड़ी भी नहीं खड़ी की है। हर कोई रूल्स को फॉलो करता है। जगह जगह डस्टबिन दिए हुए हैं, एवरीथिंग ईच एंड थिंग सब फाइन है। ये बच्चों का वो पार्क है, इसकी तरफ लेके चलता हूँ आपको। ये देखें ड्रेनेज के लिए जगह जगह सूअर्स दिए हुए हैं। ये बच्चों का पार्क है, यहाँ पे बच्चों के झूले लगे हुए, ग्रास है जो रोज़ाना मेंटेन्ड होती है, कट होती है। कोई आपको रैपर यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, कोई सिगरेट का टोटा पड़ा नज़र नहीं आएगा। बेंचेस दी हुई है, फैमिलीज बैठी होती हैं, मदर्स बैठी होती हैं, अमूमन छोटे बच्चे स्विंग्स पे होते हैं, और बच्चों के लिए झूला तो जन्नत होता है। ये खजूर के दरख्त जगह जगह भैरिया ने लगाए हुए हैं, जो कि खजूरें भी डिस्ट्रीब्यूट करता है भैरिया। क्या सीन इन अपार्टमेंट का, खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, रेंट पे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये अपार्टमेंट बहुत ज़्यादा सस्ते आए थे। तकरीबन 24 लाख रुपये की इनकी लॉन्चिंग थी। 24 लाख रुपये की लॉन्चिंग के बाद जिन लोगों ने सही फैसला किया उन्होंने बुक कराया। आज ये करोड़ों रुपए का अपार्टमेंट, 90 लाख से करोड़ रुपए के दरमियान ये अपार्टमेंट खड़ा हुआ है, इसके वो 24 लाख रुपए वाले मालिक है, तो उनका फैसला सही किया। रेंट अभी मुनासिब हुआ हुआ है, रेट्स भी मुनासिब है, 90 लाख रुपए में भी अपार्टमेंट मिल जाता है और ऐसे ज़बरदस्त माहौल में मिलेगा तो क्या ही बात है। अच्छा, रेंट भी बड़ा मुनासिब, 25,000 रुपये रेंट पर आप अपार्टमेंट मिल रहे हैं। बाइक की पार्किंग आप ये देखें, ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है भाई, ये गटर का पानी नहीं है, ये स्प्रिंकलर चले हैं गार्डन को मेंटेन करने के लिए, वो पानी है। 2 मिनट में सूख जाएगा। और बैरिया ने जितना ज़मीन से ऊपर काम किया है उतना ही ज़मीन से नीचे काम किया है। पार्किंग की तो लाइनें ही लाइनें आप देख रहे बने हुई हैं, आगे तक जाने लोग नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है जितनी बैरिया ने पार्किंग की हुई है जगह पे। ग्राउंड फ्लोर 6 की बिल्डिंग है, छत पे जाना बैरिया में अलाउ नहीं है, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए और जगह जगह बैरिया ने साइंस भी दी हुई हैं, बकल अप एंड ड्राइव सेफली। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था मेरी अपार्टमेंट्स का। मुनासिब पैसों में इस वक्त अपार्टमेंट दस्तयाब है, 90 लाख से करोड़ रुपए के दरमियान अपार्टमेंट दस्तयाब है। ब्रांड न्यू भी हो सकता है, यूज़ भी हो सकता है। रेंट 25,000 रुपये चल रहा है और लाइफस्टाइल तो यहाँ का बड़ा सुकून का बेहतरीन है। बराबर में एक ड्रीम मार्ट है, मैं वहीं से जा रहा हूँ इस वक्त जूस पीने, क्योंकि धूप आप देख रहे हैं पीछे कड़क है। पार्किंग सुकून सी है, आसमान पर तारे नहीं है, रोड पर गड्ढे नहीं है, कहीं आपको नीली पीली टंकियाँ नहीं नज़र आ रही। लोगों ने जो है कपड़े शपड़े नहीं टांगे हुए, एक मेंटेन्ड है, कोई अलाव भी नहीं यहाँ पे आपके ऐसे गैलरी है खिड़की में कोई चीज़ टांग सके, तो इट मेंटेन्स योर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।